भाई सबसे पहले भाई इतना कोरोना फैल रहा है, इतना टेंशन बन रहा है, दिमाग में मेरे एक बात आई कि मैं भाई सबसे पहले ना सब काम कुम छोड़ के ना भाई तुम लोग सभी जिस जिसके पास बाइक है सारे के सारे ना भाई सब एक सब काम छोड़ के ना भाई पहला एक सबसे बड़ा काम ये कर लो भाई, बाइक को क्रैश गार्ड लगा लो भाई। भाई मैं कहता हूँ किसी भी कंपनी का लगा लो, लेकिन भाई क्रैश गार्ड ज़रूर लगाओ। समझ गए? समझने वाले तो समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बुलेट प्रूफ एबी। गाइज दिस इज एजे। होपफुली आप लोग सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक फेसिंग अ वेरी टफ टाइम दीज डेज। नो, मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसके दौरान मेरा ना ही मैं वीडियो बना पाया कुछ नहीं। सो फाइनली आज वो एक काम जो जिसके पीछे लगे हुए थे आज वो काम पूरा हो गया है। KTM 390 एडवेंचर का क्रैश गार्ड, मैंने आपको बहुत देर पहले बोला था कि हाँ क्रैश गार्ड हम लोग काम कर रहे हैं क्रैश गार्ड के ऊपर, लेकिन आज जाके वो मतलब ऑलमोस्ट उसका प्रोटोटाइप जो है वो रेडी हुआ है। बेसिकली आज आप देख रहे होंगे बहुत ही अलग ही सेटअप है, बहुत ही अलग ही जगह है। हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं मिस्टर पार्थ, हमारी सिक्योरिटी में है टाइसन। भाई दिखा दीजिए थोड़ा सा टाइसन सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है हमारे सिक्योरिटी में टाइसन। बाकी ये हमारा वर्कशॉप है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, और आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे पीएस कस्टम्स के नाम से। पीएस कस्टम्स जो है वो स्पेशली क्रैश गार्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग में है, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, इट्स लाइक ब्रदर टू मी। तो उसने आज मेरी बाइक का KTM 390 एडवेंचर का क्रैश गार्ड बनाया है, सो उसी की आज इंस्टॉलेशन वीडियो आज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। उसके बाद मैं आपकी बात पार्ट से भी करवाऊंगा, वो आपको इस क्रैश गार्ड के फीचर्स बताएगा और किस तरह से ये आपकी गाड़ी को सेव करेगा, तो उसके ऊपर वो आपको थोड़ा सा ज्ञान बांटेगा। सो वो ज्ञान ले लेना भाई, तो इसी के साथ चालू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज ये है मेरी KTM 390 एडवेंचर का क्रैश गार्ड जो कि अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, और मतलब काफ़ी थोड़ा सा सॉलिड है, एटलीस्ट मैं बाइसेप भी मार सकता हूँ इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेट्स गो गाइस, इसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट। सो गाइस ये देखो बिना गार्ड के बाइक कैसी है मेरी। सो अभी क्या हुआ है कि अभी इसमें से मैंने ये इसका जो स्टॉक गार्ड था वो भी निकाल दिया, बिकॉज अभी जो पहला गार्ड था वो हमारा स्टॉक फिटिंग के ऊपर था, अभी जो हमने नया गार्ड बनाया है वो ओहो सुबह हो चुकी है बाबू। तो ये जो गार्ड है ये इनबिल्ट इसके अंदर इसका रेडिएटर गार्ड भी रहेगा, इसी के पीछे मुर्गे को अभी 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 खुला है बेचारा, अभी उठा है नींद से। और ये हमारे पार्थ भैया जो आज के हमारे इंस्टॉलेशन हेड हैं, और यही आज इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि भाई राइट होपफुली जो इतना काम किया है तो वो काम हमारा पार्थ भैया सफल हो जाना चाहिए। क्यों भाई, है नहीं होगा। फाइनली भाई लोग गार्ड फिट हो गया है, ये देखो लग तो बहुत अच्छा रहा है, सी प्रोटेक्शन एक नंबर भाई, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। और एक बारी पीछे से भी दिखा देता हूँ, एकदम से ना बाइक का जो लुक है ना वो चेंज ही हो जाता है भाई, अमेजिंग, क्या एक नंबर लग रहा है। सो गाड़ी बिना गार्ड के पहले कि मतलब ऐसी लग रही थी कि जैसे भाई पता नहीं क्या है, लेकिन एकदम से अभी गार्ड लग गया तो गाड़ी एकदम से बीस्ट लग रही है। सो भाई गार्ड तो भाई बहुत ज़रूरी है लगाना बाइक को, क्योंकि इससे अच्छा है कि कंपनी वालों को पैसे देने से अच्छा है पीएस कस्टम को पैसा दे दो। मेकअप वेकअप नहीं चाहिए क्या? सो गाइज ही इज़ पार्थ श्रीवास्तव, मीन्स पीएस कस्टम्स। सो पार्थ ही मतलब पूरा फुल डिज़ाइन करता है और मैन्युफैक्चरिंग में है, और इसने ही मेरे लिए ये स्पेशल गार्ड एक मेरे इस बीस्ट के लिए मैवरिक के लिए बनाया है।
सो अभी मैं पार्थ से यही पूछूंगा कि किस तरह के क्या सोच के इन्होंने ये गार्ड बनाया है और इसकी स्पेशलिटी क्या है और कितना ये मजबूत है, किस तरह से ये हमें बचाएगा, ये सब चीज़ें जो है अभी समझाएगा। सो पार्थ प्लीज़ एक्सप्लेन मुझे थोड़ा सा इस गार्ड के बारे में भाई, समझाओ कि आपने क्या माइंड सेटअप रख के इसको अपना बनाया है। बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं PS कस्टम्स इंटरनेशनल करके इंस्टाग्राम पे, उनने ऑलरेडी मेरा एक इसका टाइप वन देखा रहेगा जो डायरेक्टली स्टॉक पे फिट होता था। किस तरह से, मतलब यहाँ पे पहले डायरेक्टली स्टॉक गार्ड रहता था कंपनी का, उसके ऊपर यहाँ पे क्लैंपिंग दिया था और वो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होके फिट रहता था। अच्छा, तो वो दो फिटिंग पे था। तो अभी होता क्या था, कंपनी का जो स्टॉक गार्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपका रेडिएटर पूरी पूरी तरह से बचा लेगा, लेकिन रेडिएटर के अलावा भी आपका टैंक होता है और खुद राइडर भी होता है, क्योंकि ये जो मशीन है ये बहुत हैवी मशीन है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि इसका थोड़ा हाइट भी ज़्यादा है तो ईजिली बहुत सारे लोगों से ये नहीं होता है, संभलती नहीं इनकेस कभी कुछ ऑफ रोडिंग के टाइम पे या कोई भी टाइम पे। तो हम लोग ने जब वो गार्ड बनाया और उसको जब हम लोग ने टेस्ट किया और जब वो गाड़ी गिरी तो हुआ ये कि रेडिएटर बच गया आपका, क्योंकि रेडिएटर गार्ड मेरा पुराना वाला लगा हुआ था, पुराना जो स्टॉक आता है वो लगा हुआ था, और जो हमारा टाइप वन जो क्रैश गार्ड था वो लगा हुआ था, तो उनका टैंक भी बच गया था। लेकिन हुआ क्या था, जो राइडर बैठा हुआ था ना उसके पैर पे लेग पे इंजरी हुई थी, क्योंकि ये गाड़ी पूरी की पूरी उसके ऊपर गिरी थी ऑफ रोडिंग के टाइम पे। तो फिर हम लोग ने वो डिज़ाइन वापस चेंज करा और हम लोग अभी ये नए डिज़ाइन के साथ आए हैं, जिसके अंदर ये जो हम लोग ने गार्ड बनाया है, अजय थोड़ा सा पास से दिखा, ये सेम आपको लगेगा स्टॉक गार्ड जैसा, क्योंकि ये सेम माउंटिंग पॉइंट्स पे है जो कंपनी का है, और गाड़ी अगर गिरती भी है और कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपकी चेचिस बॉडी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि सबसे मेन और मेजर क्वेश्चन यही रहता है कि अगर गाड़ी गिरती है तो अगर चेचिस पे कुछ इफेक्ट आया कुछ आया, क्योंकि कंपनी वारंटी नहीं देगी, क्लेम नहीं देती। सबसे बड़ा मतलब कंपनी वाले यही बोल के हाथ खड़ा कर देते हैं कि यार हम लोग क्लेम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने ये स्टॉक गार्ड निकाल के कुछ और लगाया या इसका इम्पैक्ट कहीं चेचिस पे आया इस रीज़न से। तो हम लोग ने अभी जो गार्ड बनाया है वो हम लोग ने स्टॉक फिटिंग पे रखा है, और एक जो थर्ड सपोर्ट दिया है वो हम लोग ने यहाँ पे थर्ड सपोर्ट दिया है पीछे। तो ये जो है कनेक्टिंग रॉड जो कंपनी का यहाँ पर जा रहा था, हम लोग ने थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको यहाँ पे हम लोग ने फिट कराया, और इससे गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे पीछे फिटिंग दिया है, चेचिस पे दिया है, कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत सारी और भी ब्रांड्स है, मैं दे रहा हूँ आपको, कभी ऐसा लगे कि मैंने R&D करके दिया है, नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स वहीं पे माउंटिंग पॉइंट्स देते हैं, इंडिया में नहीं इंटरनेशनली भी जो है गार्ड्स पे वहीं माउंटिंग पॉइंट दिया जाता है। और दूसरा जो मैंने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एड ऑन करा, जो मैंने आपको बताया था जब गाड़ी गिरेगी तो कैसे बचेगा, कि ये हम लोग ने एक एक्स्ट्रा एड ऑन दिया है इसके अंदर, और इसके ऊपर हम लोग स्लाइडर डालने वाले यहाँ पे लंबे वाले, तो उससे क्या होगा, गाड़ी टारमैक पे गिरे कि ऑफ रोडिंग में गिरे वो प्रॉपर गाड़ी आपका टैंक और साथ में जो राइडर है वो तीनों चीज को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग ने ध्यान में रख के इस गाड़ी को बनाया, और हम लोग ने इसको टेस्ट भी करा है और ये टेस्ट में 100% पास हुई है। तो ये 3 माउंटिंग पॉइंट्स पे है, 3 इधर 3 उधर, और जो आगे वाला है जो हम लोग ने ये दिया हुआ है ये हम लोग ने दोनों में इंटरकनेक्ट करा हुआ है, हम लोग ने हेड के अंदर इंटरकनेक्ट इसको नहीं करा हुआ है। अभी हेड एक्चुअली इसका ऑलरेडी इतना लूज है कि जब गाड़ी गिरती है तो इम्पैक्ट उसके ऊपर भी आता है। तो हम लोग ने क्या करा है कि हम लोग ने हेड के ऊपर कनेक्शन नहीं दिया है, लोग यूजुअली यहाँ पर कनेक्शन देते हैं दूसरे ब्रांड्स, तो ऑलरेडी अगर आप यही सिर्फ खोल दोगे ना प्लास्टिक तो इसका हेड हिलने लग जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हेड बहुत हिल रहा है, बहुत सेकी हो रहा है, और जब आप उसके ऊपर ही माउंटिंग पॉइंट दोगे तो उसका ही अगर स्टेबल नहीं है, वो खुद ही अगर वो हेड ही स्टेबल नहीं है तो आपकी जब गाड़ी गिरेगी तो इम्पैक्ट कैसे सहेगा। तो ऑलरेडी हेड के ऊपर जोर से इम्पैक्ट है, इससे अच्छा हम लोग ने दोनों आमने सामने वाले ऑपोजिट गार्ड्स को इंटरकनेक्ट कर दिया है, और इंटरकनेक्ट करने से उसकी और भी पुराने वाले से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो अभी ये 4 माउंटिंग पॉइंट्स अगर आप इसको बोलना चाहोगे तो ये गलत नहीं होगा, और ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जब ये खुलता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये यहाँ से निकल जाता है वहाँ से निकल जाता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको इंस्टॉल करते टाइम या निकालते टाइम। और जब भी आप सर्विस करवाएंगे, कोई भी आप सर्विस करवाओ, इसके लिए गार्ड खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी मेजर सर्विसेज डायरेक्टली हो जाती है, क्योंकि सेम स्टॉक गार्ड जो जैसा था वैसे ही हम लोग ने इसको फिटिंग दिया हुआ है।
और इन सब के अलावा मैं दो लाइट के माउंटिंग पॉइंट्स भी इसके ऊपर देने वाला हूँ। अजय के लिए मैंने चार लगाए क्योंकि भाई को चार की जरूरत थी, छः बोलता तो छः भी लगा देता, बट नॉर्मली जो हमारे गार्ड्स जाएंगे जो मार्केट में हम लोग सेलिंग करेंगे उसके अंदर सिर्फ दो ही लाइट माउंट्स रहेंगे और दोनों यहाँ पर रहेंगे इंडिकेटर के नीचे, तो यहाँ से लाइट का थ्रो बहुत अच्छा आता है, तो हम लोग यहीं पे लाइट माउंट देने वाले। ये अजय के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा लगवाया, अजय को चार लाइट लगती है। तो अभी ये जो है ये मेरा फर्स्ट डिज़ाइन है और ये प्रोटोटाइप है, अभी हम लोग का इसका ऑलरेडी टेस्टिंग हो गया है और अब हम लोग, अगर आप लोग को ऑर्डर करना है तो आप डायरेक्टली हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप गूगल करेंगे तो भी हमारे नंबर मिल जाएंगे। और ये जो है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा लॉकडाउन के बाद, तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। 10 to 15 days लगेगा प्रोडक्शन पूरा रेडी होने में, तो अगर आप लोग को इंक्वायरी करना है कुछ करना है तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है ना भाई मुंबई में, उसके 10-15 दिन बाद ही कॉन्टैक्ट करो तो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आपको अगर इंस्टॉल करवाना है तो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। प्राइजेज अभी हम लोग ने डिस्क्लोज़ नहीं करे प्राइजेज, और बुकिंग्स हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि लॉकडाउन अभी ख़त्म हो रहा है, इंडस्ट्रीज वापस से काम करना चालू करें, क्योंकि तो हम लोग वापस से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही स्टार्ट करते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे अपडेट करेंगे, उस टाइम पे आप बुकिंग आपकी करवा सकते हैं। बाद लात मार के देखो क्या सही है भाई, सॉलिड है काम। भी नहीं, वो भी नहीं, मत कर भाई, ये हिलना भी नहीं चाहिए ड्रॉप टेस्ट के लिए। मैं राजी नहीं हूँ क्योंकि भाई मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा मेरे को अगर मेरी बाइक नीचे गिर गई तो। मैं तो इतने प्यार प्यार से, लेकिन मस्त एकदम से मस्त बना है, फुल ऑन सॉलिड बना है भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया अभी देख के। तो अभी फिलहाल भाई जो दूसरे गार्ड में और इस गार्ड में क्या अंतर लग रहा है वो तो बता दे भाई, देखो क्या भाई अंतर क्या है। अंतर ऐसा है कि देखो भाई बात ऐसे है कि जो भी मेरा टूरिंग के रिलेटेड मेरा सैडल स्टे, मेरा टॉप रैक, मेरा क्रैश गार्ड, मेरी बाइक का, ये सब पार्थी बनाता है, तो मैं किसी और के पास जाता नहीं। लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू, मेरे को एक चीज़ जो बेटर लगी, ऐसा नहीं है कि ये मेरा दोस्त है या कुछ ऐसा है, एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई। तो जहाँ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता ना, मेरे चार पैसे एक्स्ट्रा लग जाएं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी गाड़ी के ऊपर चार एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगने चाहिए एक्सीडेंट के बाद। सो वो बात है, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब आपको दे देंगे, आपको 500 रुपये सस्ता दे देंगे, 1000 रुपये सस्ता दे, लेकिन क्वालिटी भाई मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जिनको क्वालिटी का क्रेज़ है ना ब्रो, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। और जो प्रीमियम प्रोडक्ट की चाह रखते हैं ना, जो वाकई जिनको प्रीमियम प्रोडक्ट ही अच्छा लगता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स के ऊपर जो प्रोडक्ट की प्रीमियमनेस और जो क्वालिटी पीएस कस्टम दे रहा है वो भाई एक नंबर है। सो लगाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने क्यों लगाया, भाई आप मेरी बात पे भी मत जाओ, मैं तो चार दो लाते भी लगा के दिखा दिया है, लेकिन मेरे पे भी मत जाओ, मेरी बात पे भी मत जाओ भाई। मेरा ये चैनल है, मैं YouTube पे ये डाल रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मैं कहता हूँ मत मानो इस सब चीज़ें। एक चीज़ बोलता हूँ, आप खुद आओ, गाड़ी लेके आओ, लगाओ, सेटिस्फैक्ट्री है। मैं हमेशा एक ही चीज़ पे जोर देता हूँ कि भाई पहले खुद टेस्ट करो, क्योंकि ये जो आपका पैसा है ना, ये आपकी पाई जो है वो आपकी बहुत मेहनत की है भाई, ठीक है। उस एक एक पाई को जब आप किसी चीज़ पे लगाते हैं तो आप हमेशा उसमें से 200% आपको उसका आउटकम चाहिए, उसकी क्वालिटी चाहिए। तो खुद आओ, खुद चेक करो, खुद देखो, फिर लगाओ, क्योंकि आपका पैसा है भाई, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है। जस्ट किडिंग ब्रो। लेकिन प्लीज़ अपने पैसे को बहुत अच्छी जगह यूज़ कीजिए, क्योंकि भाई ये बाइक नहीं है, ये बाइक नहीं है, ये आपका दिल है। सो अपनी इस दिल के लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करो भाई। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने आराम आराम से इसको मतलब किक किया है, तो ये देख लो भाई, अच्छे से फर्स्ट क्लास से मैंने जोर लगा के इसको अच्छी किक किया है। सो फाइनली यार मैं आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। थैंक यू पार्थ कि मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो इसने डिलीवर किया है। तो एवरीबडी नोज कि गाड़ी का नुकसान होता है कहीं ना कहीं, वो आपके दिल पे भी बहुत लगता है और आपकी जेब पे भी बहुत खर्चा पड़ता है। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स अगेन, इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। और होपफुली अभी मेरे जो लॉन्ग राइड्स रहेंगे
उसके ऊपर मेरा अच्छा साथ देगा। सो अब इसके ऊपर बस लाइट्स इंस्टॉल करना बाकी रह गया, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और ये मेरी बीएड कैसी लग रही है, सो प्लीज़ कमेंट करो यार कि इसको मैं रखूँ या इसको साफ़ करवा दूँ। सो थैंक यू वेरी मच पार्थ, एंड थैंक यू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, और जितना हो सकता है, एंड थैंक यू सो मच टू, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का पूरा पूरा ख्याल रखा है, अंदर किसी को आने नहीं दिया इन्होंने, थैंक्स टाइसन। होपफुली और बहुत सारे राइड्स जो हैं मेरे होंगे। सो गाइज सी यू, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।